तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि मैं अपने YouTube वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे डालता हूं और दोस्तों वो म्यूजिक कहां से लेता हूं जो कि कॉपीराइट रहे या फिर नो कॉपीराइट रहे। दोस्तों ये एक YouTube का बहुत बड़ी रूल है कि दोस्तों आपको जब भी म्यूजिक या फिर किसी का भी कॉन्टेंट या किसी का भी वीडियो कुछ भी आप डालते हैं यूट्यूब पे तो दोस्तों कॉपीराइट आता है और दोस्तों उसको बाद में आप मोनेटाइजेशन के लिए रिप्लाई करेंगे तो मोनेटाइजेशन के भी रिजेक्ट होने का चांस हो जाता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाएंगे और उसका आनंद लेंगे। तो दोस्तों बस ये इसको बताने में 2 मिनट लगेगा दोस्तों, तो चलिए चले जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों मैंने काइन मास्टर अपना ओपन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर 16.9 में क्लिक करूँगा। दोस्तों मैं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कि कैमरा में जाएंगे दोस्तों, ये गैलरी के मेरा ओपन हो चुका है मैं मोबाइल का दोस्तों, तो यहाँ से कैमरा मैं क्लिक करूँगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ से कैमरा मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ये पहला जो नंबर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसको मैं सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको कुछ यहाँ से या बीच में से आपको कहीं से भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ से मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। तो दोस्तों अब क्या करूँगा कि देखिए जो दिया हुआ है ऑडियो बगल में ऊपर देखेंगे कोने में राइट साइड में दोस्तों जो ऑडियो दिया हुआ है ऑडियो में क्लिक करूँगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ पे एक नीचे जाएंगे तो दोस्तों एक यहाँ पे एल्बम है। एल्बम में दोस्तों मैंने यूट्यूब से NCS नो कॉपीराइट म्यूजिक से मैंने डाउनलोड किया था। दोस्तों NCS से भी आप यूट्यूब से ले सकते हैं और वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आवाज़ को मैं देखिए मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि किस तरह से ये आवाज़ स्क्रीन म्यूजिक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये म्यूजिक है और आप लगा सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इसकी आवाज़ को कम बेसिक कर लेंगे क्योंकि दोस्तों जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है बहुत हल्का होता है, बहुत धीमे धीमे सुना जाता है। तो इसको 8 पे मैंने रख लिया है 8% पे। और दोस्तों ये सुन सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है और कितनी अच्छी आपको जो मेन आवाज़ आपकी है आती रहेगी और जो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक है हल्की हल्की धीमी बजेगा और आपको बहुत ही इन्जॉय देगा। तो दोस्तों अब नो कॉपीराइट यूट्यूब का लाइब्रेरी से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों ये भी एक लाइब्रेरी है यूट्यूब का जो कि नो कॉपीराइट है। आपको अपने अकाउंट के क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे तो नीचे देखेंगे तो यूट्यूब लाइब्रेरी रहेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि यूट्यूब लाइब्रेरी नीचे तन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आ गया लिस्ट, इसमें बहुत सारे नो कॉपीराइट है, इसमें से कोई एक गाना मैं चूज कर लेता हूँ जो कि म्यूजिक रहेगा। देखिए मैं चूज कर ले रहा हूँ और उसको मैं आपको बजा कर सुनाता हूँ कि किस तरह से इसकी आवाज़ है। अब दोस्तों ये आप गाना को सुन सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखिए बगल में डाउनलोड का भी ऑप्शन है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों आप और इसका इन्जॉय कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बगल में आइकन बटन उसे भी क्लिक कर दीजिए।